डिंग डोंगर्स, मैं पूजा, मैं साक्षी, मैं खुशी। और गाइस आपको पता है ये जो दो हमारी छोरियां है ना, इनका जो चैलेंज होता है ना आपस में बहुत ही टक्कर का होता है, यानी 19-20 का ही सब फर्क होता है। तो आज मैं और मेरी टीम ने ना इनको एक चैलेंज दिया है, और चैलेंज क्या है मैं आपको बताती हूँ कि आज हमारे चैलेंज में ना 5 rounds होंगे, एंड 5 rounds में ही ना इनको जो फूड खाना है वो डिफरेंट डिफरेंट वे में खाना है। तो जैसे यहाँ पे चॉपस्टिक है, स्पून है, फोक है, एंड एक है हमारा नो हैंड जिसमें इनको हाथ यूज बिल्कुल नहीं करने, डायरेक्ट अपने मुंह से खाना है, एंड एक है हमारा जिसमें हाथ तो यूज करने लेकिन उसमें थंब यूज नहीं करना है। ऐसे हमारे 5 rounds होंगे, जिसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे उसको मिलेंगे ये 10,000 रुपए। गाइस आप देख सकते हो, आप चाहो तो गिन लेना, वैसे ट्रस्ट कर सकते हो मेरे पे। ट्रस्ट है और हमारी टीम पे भी ट्रस्ट है। मैं ये सोच रही हूँ जितने मोटे पैसों की गड्डी लाई है ना उतना ही खतरनाक चैलेंज लेके आई है, और इतना डर लग रहा है चैलेंज सुनते ही करेंगे कैसे। और गाइस इस चैलेंज को और ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए इनको ये चैलेंज करना है ब्लाइंड फोल्ड होकर। शौक लगा, सांस अटक गई मेरी तो। ब्लाइंड फोल्ड होकर और इतनी अतरंगी चीजों के साथ, चॉपस्टिक और माउथ वाला सबसे खतरनाक। वो तो अच्छा है पूजा ने ये नहीं बोला कि तुम्हारे कान भी बंद रहेंगे, तुम्हारे हाथ भी बंद होंगे, तुम पूरे हमें पैक होके चैलेंज करोगे। गाइस देखो 10,000 रुपए की बात है तो ये इतने इजीली तो नहीं मिलेंगे, है ना, सिर्फ खा के पेट नहीं भरना है, हमें यहाँ पे चैलेंज करना है। तो गाइस एक बार आप हमारी टेबल पे भी नजर डालिए कि आज हमने इनके चैलेंज के लिए क्या क्या फूड ऑर्डर किया है, एंड वो फूड इनको खाना कैसे वो आपको राउंड वाइज राउंड पता चल ही जाएगा। तो गाइस हमारी इस प्लेट में रखे हुए हैं, यहाँ पे रखे हुए हैं हक्का नूडल्स, ऊपर रखे हुए हैं ये स्प्रिंग रोल, एंड इधर रखा हुआ है हमारा चिली पनीर, और हमारी इस प्लेट में रखे हुए हैं हम सबके फेवरेट स्पाइसी स्पाइसी मोमोज। एंड गाइस मेरे सामने रखा है यहाँ पे गोलगप्पा, एंड साथ में उसका तीखा पानी और मीठा पानी, एंड यहाँ पे रखी हमारी चीज मैक्रोनी जो कि खुशी की वर्ल्ड फेमस फेवरेट है, और जो मेरे सामने प्लेट रखी है उसमें रखे स्पाइसी नूडल्स, और जो दूसरी प्लेट है उसमें एक तरफ रखे हमारे छोटे वाले गुलाब जामुन, एंड दूसरी तरफ यहाँ पे रखे छोटे वाले रसगुल्ले। तो गाइस जल्दी से अपना चैलेंज स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो गाइस हम जल्दी से अपना फर्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। रेडी? ओके। एक सेकंड मेरे ना इम्पोर्टेंट फोन कॉल आ रही है, मैं अभी ना 2 मिनट में आती हूँ। ओके। यार साक्षी जब तक खुशी आ रही है तो मुझे एक बात बताओ, मैंने देखा तुम्हारे फेस पे ना पहले बहुत ज्यादा पिंपल थे लेकिन अभी बहुत कम हो गए हैं, एंड फेस भी तुम्हारा बहुत ग्लोइंग लग रहा है, तो तुम ऐसा क्या यूज कर रही हो? यार मुझे तुम्हें पता ही, हमारे वर्क शेड्यूल की वजह से हम लोग अपने फेस पे ध्यान ही नहीं दे पाते, इनफैक्ट अपनी स्किन की जो है हम केयर भी नहीं कर पाते, बट मैंने आजकल अपने फेस पे काफी हद तक ध्यान देना शुरू करा है, एंड तुम्हें पता ही है हम अपनी स्किन पे कोई भी क्रीम यूज कर लेते हैं एंड सोचते हैं कि हमारी जो स्किन है वो ब्राइटन हो जाएगी और फेयर हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ एक लेयर होती है जो हम पानी से जैसे ही वॉश करते हैं ना तो धुल जाती है। हमारे स्किन को ना प्रॉपर स्किन केयर के साथ साथ राइट न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत होती है, और यहाँ हमें समझना चाहिए कि हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए जो हमारी स्किन इजीली अब्सॉर्ब कर सके और उसके जो इफेक्ट्स है वो भी हमें क्लियरली विजिबल हो। इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मुझे मिला है यहाँ पे ग्रो यंग फेस सीरम मेड ऑफ टर्मरिक एंड एलोवेरा फॉर स्किन ब्राइटनिंग एंड नरिशिंग। ये जो सीरम है ये वाटर बेस्ड है, प्लस ये विटामिन सी एंड ग्लिसरीन कंबाइंड है। ये सीरम वाटर बेस्ड है इसलिए मेरी स्किन लेयर्स में डीपली अब्सॉर्ब हो जाता है, एंड ये मेरी स्किन को ब्राइटन, हेल्दी एंड नरिश करता है, एंड ये मेरी स्किन को इवन टोन करने में भी हेल्प करता है। ये कोई रैंडम विटामिन सी सीरम नहीं है, मैंने इसके बारे में काफी स्टडीज करी है, उसके बाद ही इसे यूज करना स्टार्ट कर रही हूँ। और तुमने मोस्टली सुना भी होगा कि काफी सारे बॉलीवुड स्टार्स जो है वो सीरम को डेली बेसिस में यूज भी करते हैं। अब तुम सोच रही होगी कि तुम्हें इसे यूज कैसे करना है, तो तुम्हें सबसे पहले ग्रो यंग टर्मरिक एंड एलोवेरा फोम फेस वॉश से अपने फेस को वॉश करना है। इन प्रोडक्ट्स को साथ में यूज करने से मुझे इनका काफी अच्छा बेनिफिट मिला है। इस फेस वॉश में लिकोराइज एंड नियासिनेमाइड है जो की मेरे स्किन को ब्राइटन, स्मूथ एंड एनर्जेटिक बनाता है। इस फेस वॉश में सैलिसिलिक एसिड है जो की हेल्प करता है फाइट करने में एक्ने और पिंपल्स है, एंड जो हमारे फेस में जो आने वाले एक्ने होता है उन्हें भी आने से रोकता है एंड एग्जिस्टिंग एक्ने को क्लियर करता है। इस फेस वॉश में ब्यूटीफुल येलो टर्मरिक फॉर्म क्योंकि इसमें रियल टर्मरिक है, एंड मुझे पर्सनली ना इसका हार्ट शेप ब्रश बहुत ज्यादा पसंद आया है। फेस वॉश यूज करने के बाद तुम्हें ग्रो यंग फेस सीरम के 2-3 ड्रॉप लेने और अपने फेस और नेक पे इवनली अप्लाई करना है जो तुम्हारी स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करेगा और तुम्हें ग्लो और यंग फेस देगा, एंड ये तुम्हारी स्किन को ऑयली करे भी नहीं, तुम्हारी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाएगा। मैं इस प्रोडक्ट को पर्सनली यूज कर रही हूँ, मैंने अपनी स्किन में काफी डिफरेंसेस देखे हैं, तो मैं तो इस प्रोडक्ट को बहुत पसंद करती हूँ। सीरियसली पूजा मेरे पिंपल काफी हद तक कम हुआ है, एंड इनफेक्ट इन प्रोडक्ट को यूज करने के बाद ना मेरी स्किन और ब्राइटर हुई है, ग्लोइंग हुई है, एंड सबसे अच्छी बात है कि मेरा स्किन टोन और बेटर हुआ है। मैं तुम्हें सीरियसली रिकमेंड करूंगी कि तुम्हें एक बार ना इन प्रोडक्ट्स को जरूर ट्राई करना चाहिए। सो गाइस लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, एंड गाइस ये प्रोडक्ट इतने अफोर्डेबल प्राइस में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इस टाइम पे चल रही है समर सेल, आपको ये दोनों प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे 499 के साथ में, कस्टमर केयर नंबर भी अवेलेबल है, तो अभी जाओ इन प्रोडक्ट्स को परचेज करो और इनको यूज करो। तो गाइस ऐसा करो मैं बीच में आ जाती हूँ, तुम साक्षी इधर आ जाओ ताकि मैं तुम दोनों पे नजर रख सकूं। तो गाइस मैंने यहाँ पे सीट चेंज कर ली है, एंड ये दोनों ब्लाइंड फोल्ड हो चुकी है, एंड फर्स्ट राउंड में मैं इनके लिए लेकर आई हूँ ये स्पून एंड
फूड मैं आपको दिखा देती हूँ क्या लेकर आई हूँ फर्स्ट राउंड में। तो खुशी की प्लेट में यहाँ पे हाका नूडल्स, दो स्प्रिंग रोल एंड ये है चिली पनीर। एंड सेम यहाँ पे भी साक्षी की प्लेट सेम है, यहाँ पे हाका नूडल्स, चिली पनीर एंड टू स्प्रिंग रोल्स। तो गर्ल्स तुम रेडी हो? हाँ रेडी। ओके तो मैं तुमको बता दी रहूंगी तुम्हारा फूड कितना बचा है या कहाँ से क्या लेना है, ठीक है दोनों को? ओके 3 2 1 स्टार्ट। वेरी गुड खुशी, यहाँ पे तुम्हारे नूडल्स खत्म हो चुके हैं। बहुत स्ट्रगल था, मेरा ना मुंह मतलब इतना भर गया था ना, चिली पनीर भी, स्प्रिंग रोल भी, नूडल्स भी, फ्लेवर सारे मिक्स हो गए। तो गाइस आपको यहाँ पे पता है फर्स्ट राउंड में खुशी को एक पॉइंट मिल गया है, तो अब जल्दी से चलते हैं हमारे सेकंड राउंड की तरफ और गाइस देखेंगे हमारे नेक्स्ट राउंड में इन दोनों में से कौन विनर होता है, क्योंकि खुशी तो एक स्टेप बढ़ चुकी है हमारे इन 10,000 रुपए की तरफ, देखते साक्षी कदम आगे बढ़ाती है या फिर नहीं। तो गाइस सेकंड राउंड में मैं इनके लिए लेकर आई हूँ फोक और फूड में मैं लेकर आई हूँ इनके लिए गोलगप्पे। दोनों ही प्लेट में मैंने यहाँ पे 4-4 गोलगप्पे रखे हैं, साथ में उनका पानी है एंड सेम खुशी की प्लेट में भी 4 गोलगप्पे हैं एंड गोलगप्पे का पानी है और ये गोलगप्पे खाने हैं इन दोनों को फोक से। और हाँ गाइस मैं तुम दोनों को एक बात बता दूं, तुम्हें ना अपना दूसरा हैंड यूज नहीं करना उसको अपनी फोक में लाने के लिए या कुछ करने के लिए, ठीक है? एक से ही करना चाहे कितना भी टाइम ले लो तुम। गाइस आज स्ट्रगल पे स्ट्रगल हो रहा है, फर्स्ट राउंड में भी और सेकंड राउंड में भी। ओके गर्ल्स तुम रेडी हो? रेडी। ओके 3 2 1 स्टार्ट। हाँ आ गया गिर गया। है कहाँ? यही तो है प्लेट में तुम्हारी। क्या कर रही है यार? यार नहीं आ रहा है। अब उठा उधर बीच में से थोड़ा सा ऐसे राइट। हाँ यही पे पानी में डाल दो पानी में। हाँ ये पानी है डाल दो। गोलगप्पे प्लेट में खत्म हो चुके हैं एंड स्टॉप, यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया है साक्षी को। तुम रुक जाओ पट्टी। गाइस फर्स्ट राउंड में इतने अच्छे से हो गया, सेकंड राउंड में गोलगप्पे इधर छुपे हुए हैं, इधर वाले तो बेचारे आया तो पूछ रहे एकदम बोला ये गया खुशी के मुंह में और बेचारा अदर टूट के नीचे गिर गया। मुझे लगा यार इतनी मेहनत के बाद उसे एक गोलगप्पा मिल रहा है खाने के लिए। पता है मैंने ना उसका एक बार बीच में करा भी था क्योंकि वो बहुत ऐसे हो रहा था, मैं कितनी हेल्प कर रही थी पता है तुम्हारी। स्ट्रगल हो गया मेरा। गाइस मुझे ऐसे याद है मेरा गोलगप्पा ना देखिए मतलब यहाँ तक और उसमें चम्मच मार मार के साथ खिला रही थी। मैं कह रही पूजा शायद अब बताएगी, अब बताएगी पूजा खुशी को अब उसने एक खा लिया जल्दी खा, अब दो खा लिया जल्दी खा। वो बहुत पीछे थी तो मुझे लगा थोड़ी उसकी हेल्प करनी चाहिए, तो वो ऑलरेडी आगे थी तो इसलिए। बट गाइस यहाँ पे साक्षी को पॉइंट मिल गया है और हमारे 2 राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, दोनों के पास ही एक एक पॉइंट है। तो अब चलते हैं हमारे 3rd राउंड की तरफ। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं 3rd राउंड एंड मैं इनके लिए लेकर आई हूँ 3rd राउंड में चॉपस्टिक्स और फूड में मैं इनके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पे गुलाब जामुन एंड रसगुल्ले। दोनों की प्लेट में मैंने सेम क्वांटिटी में रखे हुए हैं एंड आप देख सकते हो मैंने ना इनको पूरी प्लेट में से फैला दिया ताकि इनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़े इनको खाने के लिए। मुझे पता है ये मुझे बहुत गालियां दे रहे होंगे मन में, बट कोई बात नहीं, नहीं 10,000 रुपए दे दोगी तो उतना ही आशीर्वाद भी दूंगी। ओह वाओ। और गाइस मैं आपको बता देती हूँ अभी तक के जो पॉइंट्स हैं दोनों के पास एक एक पॉइंट है और इस राउंड में हमें पता चल जाएगा कि कौन एक और पॉइंट एक्स्ट्रा अर्न करता है। ओके गर्ल्स रेडी? हाँ। ओके 3 2 1 स्टार्ट। उठाओ जल्दी करो।
छूट गया लैब। ओके, यहाँ पे साक्षी को एक पॉइंट मिल चुका है क्योंकि उसकी पूरी प्लेट खत्म हो चुकी है एंड वहीं पे खुशी की प्लेट में एक रसगुल्ला बचा है, सिर्फ एक। अगर मुझे वो लास्ट वाला नहीं मिलता तो अभी ये पॉइंट खुशी को चला जाता। मुझे ना ये प्लेट ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने किसी ने परात रख रखी है और मुझे उसमें ढूंढना है कि वो है कहाँ पे, मिल ही नहीं रही थी, इतना टाइम लग रहा था ढूंढने में। मैं तो यूं कर रही थी, मैं भी मुझे खुशी ने पता है ना इसी चक्कर में ना अपने सारे जो रसगुल्ले ना बीच में कर दिए और जब वो ऐसे उठा रही थी ना तो वो आ ही नहीं रहते उसके। तो गाइस यहाँ पे साक्षी के पास हो चुके हैं 2 पॉइंट्स एंड वहीं खुशी के पास है 1 पॉइंट। तो अब चलते हैं हमारे 4th राउंड की तरफ। तो गाइस 4th राउंड में मैं इनके लिए लेकर आई हूँ हैंड्स, तो इनको डायरेक्ट अपने हाथों से खाने हैं। और फूड में क्या लेकर आई हूँ इनके लिए, यहाँ पे स्पाइसी नूडल्स एंड दोनों की क्वांटिटी भी सेम है। एंड गाइस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ इनको जो हैंड यूज करने है उसमें थंब यूज नहीं करना है, सिर्फ अपनी 4 फिंगर्स का यूज करना है। तो गर्ल्स तुम रेडी हो? पूजा बोथ हैंड ना? यस बोथ हैंड। गर्ल्स रेडी? ओके 3 2 1 गो। साक्षी को क्योंकि उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी क्योंकि उसने थम्स अप तो पहले कर दिया था लेकिन उसने मुझसे बाद में पूछा क्या मेरी प्लेट में है, तो मैंने बोला नहीं नहीं, तो उसको लगा कि है तो वो खुद ही ढूंढने लगी। इतने में हमारी खुशी ने भी थम्स अप कर दिया था लेकिन पहले वो कर चुकी थी इसलिए पॉइंट मिलेगा साक्षी को। एंड आप देखो जितने भी हम डिस्कस कर रहे थे ना, देख रहे थे कि किसने क्या कर रहा है, ये ना चाट गई है बिल्ली की तरह पूरी प्लेट के, बहुत टेस्टी हो रहा था। मैं ना और कर रही थी ऐसे करके तो पूजा ने टोक दिया। तो गाइस यहां पे साक्षी के पास है 3 पॉइंट्स एंड वहीं खुशी के पास है 1 पॉइंट। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट राउंड में। तो गाइस अब मैं लेकर आई हूँ इनके लिए नो हैंड, यानी इनको डायरेक्ट अपने मुंह से खाना है। एंड फूड तो देखिए आप मैं क्या लेकर आई हूँ इनके लिए। तो इस राउंड में इनका फूड है यहाँ पे चीज मैक्रोनी एंड साथ में 2 स्पाइसी मोमोज। एंड सेम साक्षी की प्लेट में भी है यहाँ पे चीज मैक्रोनी एंड 2 स्पाइसी मोमोज। गर्ल्स रेडी? ओके 3 2 1 गो। वाह वाह साक्षी वाह, यही तो चाहिए था हमें। बहुत अच्छा, इतने स्ट्रगल के बाद जाके एक मतलब होता है ना कि परिश्रम का फल मिलना वो ये है। एंड गाइस हमारी साक्षी का परिश्रम का फल भी ना बहुत ज्यादा बड़ा है, यू नो कैश में तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। बहुत बड़ा है, हाथ बढ़ जाएगा इतना बड़ा है। साक्षी यहाँ से जाने के बाद सीधा शॉपिंग करने या खाने पहुंचेगी। बट गाइस आप इन दोनों के चेहरे तो देखो कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है, इनके नाक पे फूड लगा हुआ है, पूरे मुंह के अराउंड ऐसे लगा हुआ है, मुझे पता है मिर्च लग रही होगी बट स्टिल लुकिंग तो क्यूट है। Just looking like a wow! मैंने नहीं देखा, अभी देखूंगी अपना चेहरा। तो ये 10,000 रुपए इनाम के जाते हैं साक्षी को। ये लो साक्षी, रुक जा समाज फोटो खिंचा लेते हैं। मैंने दिए टीम की तरफ, मैं भी बीच में आ ही जाती हूँ। संभाले नहीं संभल रहे, इतने सारे पैसे हैं ये। वाह वाह 4-1 से जीती हूँ पागल। तो गाइस यहाँ पे साक्षी जीत चुकी है 10,000 रुपए एंड उसको मौका भी मिलेगा यहाँ पे खुशी को पनिशमेंट देने का। तो चलते हैं खुशी की पनिशमेंट की तरफ। मैं चाहती हूँ पूजा ऐसे चैलेंज रोज लेके आओ, मेरे पास रोज ऐसे पंखे बने। सो गाइस मैं और पूजा लेके आ गए खुशी को एक इंटरेस्टिंग सी पनिशमेंट। आपको शायद पता नहीं है बट हमारी खुशी ना कई तरह की हंसी हंस सकती है। तो हम आज उसको हंसने के लिए सिर्फ बोलेंगे तुम्हें सिर्फ हंसना है, वो भी 90 सेकंड्स तक बिना रुके, सांस भी नहीं लेनी। ठीक है 90 सेकंड्स नॉन स्टॉप, जितनी हंसी आती है ना सब हंस दियो। खुश रेडी? रेडी। ओके 3 2 1 गो।
नहीं दी। अगर आपको पता मानो खुशी का इंजन भी चालू होता है और दो तीन हंसी और है जो इसमें से मिस करती है। सो गाइस आप कमेंट सेक्शन में हमें काउंट करके बताना खुशी ने कितने टाइप की हंसी हंसी है। एंड होप सो आपको हमारी ये पनिशमेंट और इंटरेस्टिंग से चैलेंज अच्छा लगा तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो गाइस इन दोनों प्रोडक्ट का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो अभी जाओ खरीदो, ट्राई करो और मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।